हेलो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं रेनॉल्ट की डस्टर है, 2016 का मॉडल है, डीजल कार है, गाड़ी चालू है अभी और हमने एसी चालू रखा है जो कि डिस्प्ले में आपको दिखा दे रहा हूँ। एसी ऑफ और एसी ऑन है और कूलिंग टेम्परेचर आप देख पा रहे हैं 2.2 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ चुका है। और ये रही एयर डायरेक्शन का फ्लैप जो कि मैं अभी पैर पे ले रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे भी दिखाएगा एयर डिस्ट्रीब्यूशन अभी सामने है, अभी पैर पे है, अभी सामने है, जो कि यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं आप, तो यहाँ आपको डिस्प्ले में शो करेगा, देख रहे हैं एयर डिस्ट्रीब्यूशन। और इसको मैं जब तक बंद रखता हूँ, सामने ही हवा रखता हूँ, और ये एसी ऑन ऑफ स्विच है जो कि आपको डिस्प्ले में भी शो करेगा, एसी ऑन और एसी ऑफ। ये जो रेड कलर की बटन लाइट ग्लो होगी तो एसी ऑफ होगा, और ये रही अभी ऑन पोजीशन। और ये आउटसाइड एयर का है जो कि बाहर की हवा अंदर आता है, इसको चालू रखेंगे यानी लाइट जलेगी तो बाहर की हवा अंदर आएगा। और ये रही ब्लोर स्पीड, डिस्प्ले यहाँ पे भी शो करेगा आपको, और मैं इसको कम कर देता हूँ, काफ़ी ठंडी लग रही है क्योंकि 2.2 पे आ चुका है कूलिंग टेम्परेचर। और ये फ्रंट डिफोगर का है और ये रियर डिफोगर का है, इसको ऑफ कर देता हूँ। और यही हीटर का, और यहाँ रही इसके अंदर ऑटो का स्विच दिया है यानी ऑटोमेटिक क्लाइमेट को कंट्रोल करेगा। बोले तो अंदर कितनी गर्मी है और बाहर का क्लाइमेट कितनी गर्मी है या ठंडी है, उस हिसाब से ये ऑटोमेटिकली टेम्परेचर को सेट करके एक फिक्स टाइम में सेट कर देगा, और कब कंप्रेसर को ट्रिप करेगा वो ये अपना कंट्रोल पैनल अपने हिसाब से वो करते रहेगा, आपको मैनुअली घुमाने की ज़रूरत नहीं है बस। हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ 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 प्लीज़।